कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने सीसीटीवी और वीडियो फुटेज खंगालने के बाद 40 हिंसाइयों की तस्वीरें जारी की हैं। इन सबकी उम्र 25 साल से कम बताई जा रही है। पुलिस ने हिंसाइयों की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखने का ऐलान किया है। घटना के वक्त मिली तस्वीरों में से हिंसाइयों की शिनाख्त करने का सिलसिला जारी है। साथ ही कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के बाद अब कानपुर पुलिस और जिला प्रशासन ने नई सड़क इलाके के आसपास बनी ऊंची इमारतों की जांच शुरू कर दी है। जुमे की नमाज के बाद उग्र भीड़ ने जहां रास्ते पर पथराव किया तो वहीं चंद्रेश्वर हाता पर आसपास इलाके की ऊंची इमारतों से भी पथराव की आशंका है। चंद्रेश्वर हाता के लोगों का आरोप है कि आसपास बनी सभी ऊंची इमारतों से पथराव हो रहा था। यह लोग चंद्रेश्वर हाता में बसे हिंदू परिवारों को भगाना चाहते हैं ताकि इलाके की अन्य हाथों की तरह यहां पर भी ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सके। फिलहाल कानपुर पुलिस और प्रशासन ने इस संबंध में कानपुर विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर इलाके की सभी ऊंची इमारतों के नक्शे व स्वामित्व को लेकर जांच शुरू कर दी है।